हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिजनेस कोच हूँ। मैं बताने वाला हूँ आज आपको हिप्नोसिस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसा होता है। क्या होता है कि जब हम लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं तो हम उनको उनके पास्ट लाइफ में, मतलब पिछले कोई साल में, उनके जीवन के कोई बचपन में उनको ले जा सकते हैं। समझो, एखादा व्यक्ति 20 साल का है, उसके दिमाग के ऊपर कोई चोट बैठी हुई है जब छोटा था वो, और उसकी वजह से यदि उसको कोई बीमारी आई हुई है तो हम उसको रिग्रेस करते, पीछे 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 ले जा सकते हैं, और पीछे लेके जाकर फिर उसमें हम उसको वो इंसिडेंट, वो जो घटना है वो याद दिलाते हैं, और वो घटना याद दिलाने के बाद में उसको एकदम रिलीफ हो जाता है। बोलते पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब पिछले अपने जीवन के पिछले कुछ आयु में जाना, पिछले कुछ वर्षों में जाना, या पिछले जन्म में जाना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हिप्नोसिस से पिछले जन्म में नहीं जा सकते। ये कैसा होता है? क्या होता है कि एक लड़का मेरे पास में आया था, उसकी उम्र थी 18 साल की, और उसको सरदर्द था, और सरदर्द काफी उसको परेशान कर रहा था। मैंने उसको पूछा कितने साल से है, बोले मेरा 10 साल से सरदर्द चालू है। मतलब वो 8 साल का था तब से उसको सरदर्द हो रहा था, और उसने कई जगह उसने इन्वेस्टिगेशन किए, जांच की, एक्सरे निकाले, सीटी स्कैन किया, खून की टेस्ट किया, आंखों की टेस्ट किया, सब जगह का रिपोर्ट उसको मिल आ रहा था। तो मैंने उसको बोला कि क्या आप तैयार हो हिप्नोटाइज करने के लिए, हम जाके देखेंगे कि भाई आप जो 8 साल के थे तो हुआ क्या, क्योंकि दर्द चालू हो गया जब आप 8 साल के थे। तो उसने बोला हाँ तैयार हूं। तो उसको मैंने हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करके उसको पिछले उसके साल में लेके गए। जैसे उसको बोला अभी तो भी 16 साल का है, फिर 14 साल का है, फिर 12 साल का है, फिर 10 साल का है, और वो 8 साल का है, ऐसा बोला मैंने। और 8 साल का जब बोला तो मैंने अपने आप को देखो, अपने आप को फील करो, आपने कौन से कपड़े पहने थे, कौन लोग आपके आसपास में थे, आप क्या बोल रहे थे, लोग क्या बोल रहे थे, सब यादें जो है वो आप जैसे एकदम लाइव करो, जीता जागता पूरा सीन आपके सामने लाओ। तो जैसा उसको मैं सजेशन दे रहा था तो उसने पूरा सीन लाया होगा मन में, और एकदम वो जोर जोर से रोने लगा, फिर रोया रोया और वो एकदम शांत हो गया, रुक गया रोना। तो उसके बाद उसको मैंने पूछा क्या हुआ क्या, बोले मैं जब 8 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई थी, और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि माँ गुजरती है मतलब डेथ होती है तो होता क्या है। मुझे बताया गया कि माँ भगवान के पास निकली, तब मैं रोया भी नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति मरता है मतलब होता क्या है। तो वो पूरा जब सीन उसको मैं रिप्ले किया, वो पूरा वीडियो रिप्ले हो गया उसका, तो एकदम वो रोने लगा, उसकी जो दबी हुई भावनाएं थी वो बाहर निकल गई, और बोले भी मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर 7 दिन के बाद में वो मेरे पास में फिर से आया, मतलब बोलो भाई क्या हो गया, कैसा क्या तबियत कैसी है, बोले भी मेरा हेडेक पूरा निकल गया, मतलब वो दबी हुई भावनाएं थी माँ गुजरने की, और वो एक चोट दिमाग में उसको पहुंची हुई थी, और जिसके वजह से कुछ तो भी कॉन्वर्सेशन, कुछ तो भी संवाद उसने अपने आप में पकड़ के रखा हुआ था, और वहां से उसको वो सरदर्द चालू हो गया था। ये जब हम करते हैं ना, मतलब ये सच्ची है क्या, ये ऐसा होता है क्या, तो जब मैं स्टेज हिप्नोटिज्म के प्रोग्राम करता हूँ ना, स्टेज हिप्नोटिज्म के स्टेज के ऊपर प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन, तब हम उनको बोलते हैं कि आप छोटे हो रहे, छोटे हो रहे, छोटे हो रहे, अभी आपकी उम्र 10 साल की है, 8 साल की है, 6 साल की है, 4 साल की है, 2 साल की है, तो 2 साल की उम्र ऐसा बोला तो लोग जमीन के ऊपर लेटते हैं, और 2 साल का बच्चा जैसा करता है वैसे वो करना चालू कर देते, रोना धोना चालू हो जाता है, चिल्लाना चालू हो जाता है, भूख लगी करके चिल्लाना चालू हो जाता है, मतलब एक्चुअली आप देख सकते हैं कि वो 2 साल का बच्चा जैसा करेगा वैसा वो करता है। तो ये संभव है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो व्यक्ति जाके जो भी दिमाग में कोई चोट पहुंची होंगी वो चोट निकाल के वो रिलीव करके, रिप्ले करके ठीक हो सकता है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक व्यक्ति आया था
उसको एक पर्टिकुलर अगरबत्ती का उसको सुगंध आया तो उसको कैसा कैसा लगता था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा होता क्यों है। बहुत ही बेचैन सा और कुछ उदास सा ऐसा लगता था उसको। मैंने उसका हुआ क्या, कब से हुआ, बोले 15 साल से ऐसा चालू है। मगर वो ऐसे रोज के जीवन में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है तो चालू चल रहा है। मैं ठीक है देखते है क्या हुआ। तो फिर जब मैंने उसको हिप्नोटाइज किया, उसको पीछे 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 लेके गया कि भाई शुरू कब हुआ हो, तब उसको वो सीन पूरा याद आ गया। उसके पिताजी गुजर गए थे शाम के समय, और फिर उनकी डेड बॉडी घर में थी और रात भर वैसे रखना था, काफी दिन से बीमार भी थे, थोड़ा बास भी आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया है कि काफी वो सेंटेड अगरबत्ती फिर बर्फ ऐसा कुछ लाके वहां रख दिया था, और ये जो लड़का था ये वहीं बैठा हुआ था रात भर। तो जैसा पिताजी जाने का दुख और वो अगरबत्ती का सेंट, ये दोनों हो गए क्लब इकट्ठा हो गए। और बाद में जब कभी उसको अगरबत्ती का सेंट आता था, सुगंध आता था, तो उसको वो कैसा कैसा होता था, क्योंकि वो जाने अनजाने में उसको पिताजी की डेथ की याद आती थी। तो ये संबोधन में इस तरह का हम देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है जीवन में, क्या हुआ, और हम पीछे जाके उसकी काफी सारी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। संबोधन एक प्रभावी माध्यम है। इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरी काफी सारी वीडियोस हिप्नोसिस की है, एनएलपी की है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की है, काफी सारी वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।